गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे साहचर्य नियम। साहचर्य नियम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी साहचर्य नियम। देखिए इसमें यदि ए कॉमा बी कॉमा सी एक वास्तविक संख्या हो तो ए प्लस नंबर एक, दो प्रॉपर्टीज में देखो क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, और दो पे क्या लिख सकते हैं ए गुड़े बी गुड़े सी बराबर क्या हो जाएगा ए गुड़े बी और गुड़े में सी, ये हो जाएगा। यानी अगर कभी भी ऐसे क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में पूछा जाएगा, जैसे ये लिख दिया जाएगा और कहेगा ये किस नियम के अंतर्गत आते हैं, तो आपको बताना होगा किस नियम के अंतर्गत आते हैं। देखिए किस नियम के अंतर्गत आते हैं, साहचर्य नियम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यदि ए बी सी एक वास्तविक संख्या हो तो ए प्लस ब्रेकेट में बी प्लस सी इजकल टू ए प्लस बी और ब्रेकेट के बाहर सी, इतना बराबर क्या हो जाएगा इतना, और इतना बराबर भी क्या हो जाएगा इतना। कोई संख्या भी लिखा जा सकता है। बिहार के टेट के एग्जाम में आप विश्वास कीजिए 5 से 6 क्वेश्चन यहीं से आया था। बिहार का जो टेट का पेपर हुआ था और जो बच्चे पेपर देने गए थे वो बता रहे थे सर इसको पढ़ने से बहुत फ़ायदा हुआ, वो लोग बढ़त बना लिए, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो सब लोग नहीं पढ़ाते हैं, जो क्या करते हैं छोड़ देते हैं, कॉन्सेप्ट है मैथ का और यहाँ से क्वेश्चन बहुत उठाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। बिहार के टेट में बताया अभी 5 से 6 क्वेश्चन यहीं से आए थे। किसी को कोई प्रॉब्लम हो इसमें तो बताइए। क्वेश्चन अभी आपको जब हम बताएंगे, ये आगे बताएंगे क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आते हैं, अभी आप इतना नोट कर लीजिए। थैंक यू।